आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपने पहले ना कभी सुनी होगी ना देखी। एक ऐसा व्यक्ति जो जीते जी अपनी 13वीं करवाता है और 13वीं करवाने के बाद मर जाता है। कहानी है यूपी के उत्तर प्रदेश में स्थित एटा जिले की, जहां एक 55 वर्ष का आदमी रहता था जिसका नाम था हाकिम सिंह। हाकिम सिंह की जमीन जायदाद काफ़ी थी, पर कोई औलाद और पत्नी नहीं थी। एक शादी हुई थी हाकिम सिंह की, लेकिन उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई थी। अब ना हाकिम सिंह के आगे कोई था ना पीछे, बस हाकिम सिंह के 3 भाई थे और कुछ भतीजे। हाकिम के पास कोई रोजगार भी नहीं था, इसलिए वह धीरे धीरे अपनी जमीन बेचकर अपना गुजारा करने लगा। पर जो भाई भतीजे थे वो समझते थे कि हाकिम सिंह के मरने के बाद उसकी जमीन जायदाद जो है वो हमें मिलेंगी, ये तो सारी ज़मीन ऐसे बेच देगा तो हमें इसके मरने के बाद क्या मिलेगा। इसलिए हाकिम सिंह से उन सभी का झगड़ा होता रहता था, जिस वजह से हाकिम सिंह परेशान रहता था। एक दिन हाकिम सिंह के मन में ख्याल आया कि अगर मैं मर गया तो मुझे कोई पूछने वाला ही नहीं। मरने के बाद हिंदू धर्म में क्रियाकर्म और 13वीं करना जरूरी माना जाता है, तभी आत्मा को शांति मिलती है। हाकिम सिंह यही सोचने लगा कि मेरे मरने के बाद मेरा पिंडदान मेरी 13वीं कौन करेगा। यही सोचकर उसने एक फैसला लिया कि वह अपने जीते जी अपनी 13वीं करेगा। इसी वजह से हाकिम सिंह ने फैसला लिया कि वह अपनी 13वीं के लिए कार्ड भी छपवाएगा। हाकिम सिंह ने 13वीं के लिए एक बहुत बड़ा बोझ रखा। उसके लिए उसने थोड़ी सी जमीन फिर बेची और उसके पैसे से 13वीं की तैयारी करने लगा। इसके लिए उसने बकायदा कार्ड भी छपवा दिए और इस कार्ड पर लिखा था जिंदा मृत्यु बोझ। हाकिम सिंह ने अपने कार्ड पूरा गांव में बांट दिए और कुछ साधु संतों को भी इस बोझ में शामिल होने का न्योता दिया। ये बात 15 जनवरी 2024 की है, कुछ ही दिन पहले की। 15 जनवरी 2024 को भोजन की तारीख थी, जिसमें उसने कार्ड पर भी लिखा था जिंदा मृत्यु बोझ। इस बोझ में उसने साधु संत और गांव के कुछ लोगों को बुलाया। हाकिम सिंह खुद लोगों को भोजन करा रहा था उस दिन। ऐसे ही 15 जनवरी बीत गया, सभी गांव वाले मजे से भोजन खाकर चले गए। ऐसे किसी 13वीं पर कोई जाता है तो थोड़ा दुखी हृदय से जाता है, लेकिन यहाँ भोजन कराने वाला जिंदा था, जिसकी 13वीं हो रही थी वो जिंदा था, इसलिए लोग खुशी खुशी भोजन करके चले गए। अब अगला दिन आ गया 16 तारीख। गांव में इसी 13वीं के भोजन की चर्चा ही चल रही थी। हाकिम सिंह का ऐसे ही दिन इन्हीं बातों में गुजर गया। 16 तारीख को रात को हाकिम सिंह जब सोने चला गया तो 17 तारीख को हाकिम सिंह सुबह नहीं उठा। हाकिम सिंह का दोस्त उसे उठाने गया, उसने देखा कि आज हाकिम सिंह बाहर नहीं आया। जब वो अंदर गया हाकिम सिंह को उठाने लगा तो वो नहीं उठा। तभी उसने कुछ गांव वाले इकट्ठे किए, सभी ने देखा और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कह दिया कि हाकिम सिंह जो है वो मर चुका है। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि 2 दिन पहले जो हाकिम सिंह अपनी 13वीं का भोजन दे रहा था वो हाकिम सिंह अब मर चुका है। तभी पुलिस को भी इस बात की खबर मिली। पुलिस को इस बात पर शक हुआ कि कहीं हाकिम सिंह को किसी ने मार तो नहीं दिया, इसलिए पुलिस ने हाकिम सिंह की लाश को अपने कब्जे में लिया और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई उसके अनुसार हाकिम सिंह की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, इसलिए पुलिस ने लाश को लोगों को सौंप दिया। उसके बाद हाकिम सिंह का अंतिम संस्कार 17 तारीख को कर दिया गया। जब उसका संस्कार करके उसके रिश्तेदार वापस आ रहे थे तो एक लोकल पत्रकार ने रिश्तेदारों से पूछा कि क्या आप हाकिम सिंह का 13वीं अब करेंगे, तो उसके रिश्तेदारों ने इसके लिए साफ मना कर दिया और उन्होंने कहा कि वो तो जीते जी अपनी 13वीं कर चुका, अब क्या किसकी 13वीं करनी है। जीते जी हाकिम सिंह का जो डर था कि उसके मरने के बाद उसकी 13वीं और पिंडदान कोई नहीं करेगा, वो उसका शक सही निकला। आपका इस कहानी के ऊपर क्या विचार है हमें लिखकर जरूर बताएं। और भी ऐसे कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।